गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के ट्रैक्टर लेकर विधानसभा घेराव पर कहा कि जब सरकार थी तब कभी खेत में नहीं गए, कांग्रेस किसानों के नाम पर ढोंग करना बंद कर दे। उन्होंने कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों को बरगला रही है। नरोत्तम ने किसान दिवस पर सत्याग्रह को लेकर कहा कि सत्य है तो करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों को बरगला रही है। उन्होंने कहा कश्मीर में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जनता को गुपकार संगठन बिल्कुल स्वीकार नहीं है। बंगाल में हो रही हत्याओं को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं, इसीलिए हत्या हो रही है। बंगाल में तीन पत्ती की पार्टी है और चार मंत्री नहीं पहुंचे, अब धीरे धीरे और कम हो जाएंगे। वहां मिलावट को लेकर नरोत्तम ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि कोई भी मिलावट जनता के लिए घातक है, अब मिलावटखोरों की खैर नहीं। लॉकडाउन में पुलिस और डॉक्टरों के कार्य की सराहना पर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और कोरोना काल में धरने को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और अन्य नेताओं पर केस दर्ज कराने पर उन्होंने कहा यह न्यायिक मामला है, न्यायालय फैसला करेगा। उधर कमलनाथ के प्रदेश से नदारद रहने पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब वह कहीं की भी राजनीति करें बस मध्य प्रदेश की नहीं करेंगे। पहले मासिक, फिर त्रिमासिक, फिर छमासी और बाद में वार्षिक हो जाएंगे एमपी के लिए। सत्य का आग्रह कोई भी कर सकता है बशर्ते सत्य हो। मैं आज तक नहीं समझ पाया, मैंने आप लोगों से पूछा, उनसे भी पूछता हूं, जिसे वो काला कानून कह रहे हैं उसमें काला क्या है, कोई तो मार्गदर्शन करे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है, जो भटका रही है। अभी तक कोई नहीं बता पाया उस काले कानून में काला क्या है। वापस ले लो, भ्रम फैला दिया, अच्छा नहीं है। ऐसा ही सीएए पे फैलाया था, वैसे ही इस आंदोलन में फैल रहा है। वहां मैंने बताया कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है बंगाल में। वहां अपराधी सरकार चला रहे हैं, निर्ममता दीदी चला ही नहीं रही, इसलिए निर्ममता से हत्याएं हो रही हैं। राजनीति को राजनीतिक तरीके से करें तो ठीक है, वहां बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया, भू माफिया, ये सरकार चला रहे हैं। और दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री निर्ममता जी के भाई और भतीजे इन सब षड्यंत्रों में सीधे शामिल होते हैं, यह अच्छा नहीं है। अभी अधिकारी जी एक मंत्री भाजपा में आ गए, दो छोड़ के चले गए थे, तीन पत्ती की पार्टी है, चार मंत्री आए नहीं। माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि आखिरी चुनाव आते आते तक अकेली रह जाएंगी, आप प्रतीक्षा करो, आपको अकेली ही दिखाई देंगे। कोई भी मिलावट अकेली वैक्सीन को न ले, हर मिलावट व्यक्ति के शरीर के लिए घातक है, चाहे वो दूध की मिलावट हो, चाहे वो वैक्सीन की मिलावट हो, चाहे वो मावा में मिलावट हो। ये जितनी भी मिलावटें हैं, मिलावट पर कसावट का हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रदेश में कोई भी कितना भी बड़ा होगा, अब खैर नहीं है उनकी किसी की भी, बक्सा नहीं जाएगा कोई। आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का, और वास्तव में मैं आपके सामने कई बार कह चुका हूँ कि उस लॉकडाउन को सफल कराने में हमारे, उस समय मेरे पे दोनों विभाग थे, वो स्वास्थ्य भी था, गृह भी था, तो उस समय सिर्फ अस्पताल में डॉक्टर दिखते थे और सड़क पर पुलिस दिखती थी, अपन सब तो कमरों में थे सर्दी में और गर्मी में, कड़कड़ाती सर्दी और चिलचिलाती धूप में पुलिस का जवान सड़क पर खड़ा रहा, वो वंदनीय है, वो अभिनंदनीय है। कहीं की करें, मध्य प्रदेश की नहीं कर रहे। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि परिणाम उपचुनाव का आएगा और वो चले जाएंगे। पहले वो साप्ताहिक होंगे, फिर वो मासिक होंगे, फिर तिमाही और फिर छमाही, इसी तरह से उनका प्रवास मध्य प्रदेश में होगा। ये सीक्वेंस भी अगर टूटे तो मुझे बताना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।